आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। शानदार शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूँ। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा हूँ? चुनाव का सीजन आ चुका है, अब चाहे रीजनल पार्टीज हो या फिर नेशनल पार्टीज, सब बड़े बड़े वादे करेंगे। अपने मैनिफेस्टो के जरिए वेलफेयर स्कीम के बारे में बताया जाएगा, लेकिन इन सबके बीच में एक ऐसा वर्ड है जो काफी सुनने को मिलेगा, वो वर्ड है फ्रीबीज। और फिर उस पर डिबेट भी चलेगी कि क्या फ्रीबीज सही है या नहीं। लेकिन आज हम उस दिशा में नहीं जाएंगे, बल्कि इस वीडियो में हम एक एक करके ये जानेंगे कि भारत में फ्रीबीज की शुरुआत कब से हुई, फ्रीबीज का किसी राज्य के इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है, कैसे दक्षिण भारत की राजनीति के बाद फ्रीबीज पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स का अहम हिस्सा बन गया। तो हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फ्रीबीज है क्या। तो फ्रीबीज का कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि किसी ऐसी पर्टिकुलर सुविधाओं का मिलना जिसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, जैसे कि फ्री में राशन, साइकिल, लैपटॉप, टीवी, गोल्ड एक्सेट्रा। हालांकि 2022 में आरबीआई ने फ्रीबीज को डिफाइन किया था एज अ पब्लिक वेलफेयर मेजर दैट इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज। अब सवाल यहाँ ये आता है कि फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ्रीबीज भी वेलफेयर प्रोग्राम ही है? तो वेलफेयर स्कीम हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को देखकर बनाया जाता है, लेकिन फ्रीबीज को अक्सर चुनाव को ध्यान में रखते हुए अनाउंस किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपने साइड किया जा सके। जैसे 2023 में कई राज्यों में चुनाव हुए थे, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कुकिंग गैस पर सब्सिडी, लड़कियों को 12वीं तक फ्री शिक्षा जैसे वादे किए थे। वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत ने हर परिवार की फीमेल हेड को हर साल 10,000 रुपए देने की बात कही थी। तेलंगाना में कांग्रेस ने महिलाओं के लिए फ्री बस राइड, 200 यूनिट फ्री बिजली आदि की बात कही थी। इस तरह से चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में फ्रीबीज की जो है वो बात करती हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि फ्रीबीज की शुरुआत कहाँ से हुई। तो आज़ाद भारत के बाद सबसे पहले फ्रीबीज की शुरुआत मद्रास स्टेट के पूर्व चीफ मिनिस्टर के कामराज ने की थी, फ्री एजुकेशन और स्कूल में फ्री मिड डे मील के जरिए। फिर उसके बाद 1970 और 1980 में उस टाइम के चर्चित लीडर्स जैसे सीएन अन्नादुरई, एमजी रामचंद्रन, एम करुणानिधि, जे जयललिता, एनटी रामा राव ने चुनाव के दौरान फ्री में अनाज, कैश, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, घर का सामान देने की बात कही थी और अपने मैनिफेस्टो में ऐसे ही स्कीम को लेकर आए थे। लेकिन तब तक इन स्कीम को वेलफेयर स्कीम की तरह देखा जा रहा था। लेकिन फिर 2006 में फ्रीबीज और ये कॉन्सेप्ट जो था वो काफ़ी चर्चा में आया, जब तमिलनाडु की पार्टी डीएमके ने फ्री में हर घर कलर टीवी देने की बात कही थी। हालांकि उनका जस्टिफिकेशन ये था कि अगर गांव के घरों में टीवी होगा तो वहां की महिलाओं की नॉलेज जो है वो बढ़ेगी। ये मामला तो इतना बड़ा हो गया था कि बात कोर्ट तक पहुंच गई थी। फिर 2006 में ही बिहार सरकार ने लड़कियों को फ्री में साइकिल बांटी, जो स्कीम काफी हिट भी हुई। फिर उसके बाद 2008 में ओडिशा में नवीन पटनायक ने भी लड़कियों को फ्री में साइकिल दिया। फिर 2013 में आम आदमी पार्टी आई, जिन्होंने फ्री में बिजली, पानी और शिक्षा की बात कही। फिर दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब की जनता से ऐसे ही वादे किए। 2022 में बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्कॉलर गर्ल स्टूडेंट को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत फ्री में स्कूटी भी दी थी। अब तो मानो चुनाव आते ही इस बात की होड़ सी लग जाती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज क्या स्कीम और फ्री में क्या योजनाएं लेकर आ रही हैं। ऐसी योजनाओं का असर चुनाव पर तो पड़ता ही है। दिल्ली में ही 2013 में फ्री बिजली और पानी एक बड़ा मुद्दा बना था। इस पर दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा दिखाया था। लेकिन इन सब बातों को सुनकर आपको लग रहा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर फ्री में कोई सुविधाएं दे रही हैं तो वो तो अच्छा ही है ना, इसमें गलत क्या है, है ना? तो शुरुआत में ही मैंने एक सवाल किया था कि इस तरह की फ्रीबीज का किसी भी स्टेट पर क्या असर पड़ता है, वहां की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। तो ये समझने के लिए रीसेंट रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। तो आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि 2022-2023 में सभी स्टेट्स ने मिलकर 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का फ्रीबीज स्कीम अनाउंस किया और इनमें से कई राज्यों के पास तो उतना पैसा भी नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसी योजनाओं की घोषणा की। अब ये समझना यह जरूरी है कि फ्रीबीज के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जिन योजनाओं का वादा करती हैं उसके पैसे जो हैं वो टैक्स पेयर के जेब से जाता है। हर राज्य के कोष में भी लिमिटेड अमाउंट ही होता है। ऐसे में ऐसे सिचुएशन में घोषणाओं को पूरा करने के लिए राज्य जो हैं वो लोन लेते हैं और अलग अलग तरह से फंड को रेज करते हैं।
और तभी शुरुआत होती है फाइनेंशियल बर्डन की। फाइनेंशियल बर्डन किसी भी राज्य पर तब होना शुरू होता है जब उनका खर्च जो है उनके कमाई से ज्यादा हो जाता है। ऐसे हालत में राज्यों को कर्जा लेना पड़ता है। 2024 में फोर्ब्स की स्टेट वाइज डेट टू जीडीपी रेशियो की लिस्ट आई थी। ये रेशियो ये बताता है कि किसी भी स्टेट के ऊपर कितना कर्जा है और उस कर्जे को भुगतान करने के लिए वो राज्य कितना सक्षम है। इस रेशियो को निकालने का फॉर्मूला जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं खर्च की, तो 2022 में आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 2022-2023 में आंध्र प्रदेश ने अपनी जीडीपी का 2.1% हिस्सा वेलफेयर स्कीम में अनाउंस किया। पंजाब ने 2.7%, झारखंड ने 1.7%, मध्य प्रदेश ने 1.6%। बाकी के राज्यों की स्पेंडिंग को भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस पर अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि ये एक इरेशनल स्पेंडिंग है। वहीं राज्यों की ये दलील होती है कि अगर हम अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम नहीं लेकर आएंगे तो उनका ग्रोथ जो है वो कैसे होगा। पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार ये ऐसे राज्य हैं जहां खेती ज़्यादा होती है और फ्री बिजली पानी से किसानों को डायरेक्ट फायदा मिलता है। उनका कहना ये है कि ये फ्रीबीज नहीं बल्कि सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं। अब राज्यों को ऐसा करना चाहिए या नहीं, ये एक अलग डिबेट का मुद्दा है। लेकिन इससे एक बात तो तय है, वो ये कि इस तरह की स्कीम का राज्यों के अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है। इस तरह की स्कीम को लेकर आरबीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट में 2022 में फ्रीबीज के अगेंस्ट में पीआईएल दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक चिंता का विषय है और ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी ज्यादा खतरनाक भी है। इस तरह की नॉन मेरिट स्पेंडिंग का लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होता है। वहीं आरबीआई ने भी राज्यों को चेतावनी दी है कि अगर राज्यों ने अपनी हालत नहीं सुधारी तो उनकी स्थिति जो है वो श्रीलंका जैसी हो सकती है। जून 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल और वेस्ट बंगाल ऐसे राज्य हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले बेंच ने कहा था कि प्री इलेक्शन फ्रीबीज का वादा करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो है वो एक करप्ट प्रैक्टिस होगा और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत इसे रिश्वत की तरह देखा जाएगा। जहां एक तरफ फ्रीबीज की वजह से स्टेट पर कर्जा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता है कि इनमें से कई योजनाओं की वजह से लोगों को फायदा भी मिला है। लेकिन राज्य लोगों के लिए अच्छा काम तभी कर पाएंगे जब वो इकोनॉमिकली स्टेबल होंगे। तो ऐसी योजनाओं की घोषणा करने से पहले राज्य की हालत के बारे में जानना, उस स्कीम का राज्य पर क्या असर पड़ेगा ये समझना काफी जरूरी है। तो फ्रीबीज पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।